वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि पूंजी की लागत में एक नई आप कह सकते हैं कंसेप्ट की, जिसका नाम है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि इसे हम कह सकते हैं औसत भारित पूंजी की लागत। देखिए, या भार युक्त औसत पूंजी की लागत। यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है ये हमको बताता है कि अगर कोई कंपनी है या फर्म है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कैपिटल का अरेंजमेंट करती है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हम लोगों ने इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग और आपका जो डिबेंचर है उनका हमने सेपरेटली क्या किया था, देखा था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर कोई फर्म अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इन सभी को मिलाकर अपने कैपिटल का अरेंजमेंट करती है तो उसकी कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी कंपनी एक ही सोर्सेज से कैपिटल का अरेंजमेंट नहीं करती है, इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूंजी की भारयुक्त औसत लागत। पूंजी की भारयुक्त का मतलब हो गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो कंसेप्ट है, वो हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम बात करते हैं कि क्या है मेरिट्स ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कि अगर हम इससे अरेंजमेंट करते हैं तो क्या इसके गुण रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मेरिट की यानी कि इसके गुण की। देखिए, वेटेड एवरेज से अगर हम अपनी संस्था का अरेंजमेंट करते हैं तो एक इजी एंड क्लियर यानी कि इसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही इजी है, साथ ही साथ बहुत क्लियर है, साथ ही साथ जो भी मैनेजर है उनको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं सुविधा, अपने अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सकते हैं। तो इसका मतलब है ये क्या है, एक ईजी कंसेप्ट है, साथ ही साथ ये एक क्लियर कंसेप्ट है। क्लियर का मतलब हो गया बिल्कुल स्पष्ट है, सरल है और साथ ही साथ स्पष्ट है, जिससे कि जो भी मैनेजर होगा वो अपनी फर्म में या कंपनी में ऑटोमेटिक आराम से डिसीजन ले सकता है। ठीक है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जॉइंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ज़्यादा फोकस किया है, यानी स्पेसिफाई जो होता है विशिष्ट स्रोत से लागत पर बल देना, यानी कि बहुत ही फोकस किया गया है कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे कि इसमें प्रत्येक आप जितने भी सोर्सेज यूज़ करोगे उसका सेपरेटली हम क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं और ओवरऑल देखते हैं कि हमारी फर्म या कंपनी पे इसका इफेक्ट क्या आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो सेकंड पॉइंट हम कह सकते हैं इम्पेटस ऑफ कॉस्ट ऑफ स्पेसिफाइड सोर्सेस, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं पॉइंट है इसके मेरिट का। ठीक है, यानी कि ऑन कॉस्ट ऑफ स्पेसिफाई सोर्सेस, यानी कि विशिष्ट लागत पर ज्यादा बल देता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है आपको। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, और क्या इसके मेरिट हो सकते हैं। देखिए, आइडियल इसका कह सकते हैं कि पूंजी व्यय प्रस्तावों के लिए आदर्श मानदंड, यानी कि ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो भी हम प्रपोजल्स होते हैं उसके लिए आइडियल ये बताता है, कैटेगरी बताता है कि कैसे हम उनका मानदंड है या उनका स्टैंडर्ड है वो मेजर कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट कैलकुलेशंस होती हैं, परफेक्ट कैलकुलेशन, जिसे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छे से बन सकता है। इसके साथ ही हम कह सकते हैं ये ऑप्टिमल डेप्ट इक्विटी का मिक्सर है। ऑप्टिमल यानी हमें पता चल सकता है कि हम डेप्ट से भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, डेप्ट एंड इक्विटी मिक्स्ड। क्लियर है आपको, यानी कि ये अनुकूलतम ऋण समता मिश्रण है, यानी कि हम किस इसमें दोनों में बैलेंस बनाना डिबेंचर और इक्विटी में, ये वेटेड एवरेज की वजह से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट रहा है कंपनी के डिसीजन मेकिंग में। तो ये फोर इम्पॉर्टेंट है कि बहुत इजी और क्लियर मेथड है।
ठीक है, इम्पेटस ऑन कॉस्ट ऑफ स्पेसिफाइड सोर्सेज यानी कि विशिष्ट जो सोर्सेज होते हैं उस पर ज़्यादा बल दिया गया है, परफेक्ट कैलकुलेशन यानी कि ये बहुत ही एक आइडियल स्टैंडर्ड मेजरमेंट बताता है कि कैसे हम कॉस्ट निकाल सकते हैं, साथ ही अनुकूलतम ऋण और समता का मिक्सर है ये। लेकिन इतनी मैरिट्स होने के साथ साथ इसमें कुछ आप कह सकते हैं डीमेरिट्स भी हैं, या हम कह सकते हैं वीकनेस पॉइंट भी इसमें रहा है। तो देखिए, वीकनेस पॉइंट में आप जानते ही हैं कि सबसे प्रॉब्लम क्या आएगी, इसकी कैलकुलेशन में आ सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगेगा। वीकनेस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और स्पेशल हम किसकी बात कर रहे हैं, वेटेड या एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। सबसे मेन क्या है डिफिकल्टी इन वेटेज, सबसे मुश्किल ही ये है कि इसकी कैलकुलेशन करना बहुत टफ रहता है क्योंकि बहुत सारे सोर्सेस रहते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसकी कैलकुलेशन करना क्या रहेगा, बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो डिफिकल्टी इन वेटेज, वेटेज निकालना ही बहुत टफ होता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब हम सेपरेटली बात कर रहे हैं तो सिर्फ पर्टिकुलर इक्विटी ही निकालनी थी, लेकिन सबसे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे मार्केट प्राइस लेना है या बुक वैल्यू पर है। ठीक है, तो ये इसके कैसे वेटेज निकालना है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तभी आप निकाल पाओगे, तो ये एक बहुत ही मुश्किल है। डिफ़िकल्टी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जो पूंजी संरचना बनाओगे उसमें भी डिफ़िकल्टी आएगी। तो पूंजी संरचना यानी पूंजी ढांचे में भी क्या है, डिफिकल्टी है। डिफिकल्टी इन कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज रहेगी तो आप जानते ही हैं कि सबकी कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा टफ रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें यूज ऑफ एक्चुअल यील्ड और मार्केट यील्ड रेट, यानी कि वास्तविक उपार्जन और बाजार उपार्जन दर का प्रयोग, ठीक है, तो दूसरी प्रॉब्लम यही मानी गई है कि ये हम एक्चुअल रेट का यूज लें, ठीक है, या फिर बुक वैल्यू का लें, मार्केट प्राइस का लें, तो ये डिफिकल्टी रहेगी इसके सामने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ डिफिकल्टी भी डीमेरिट्स भी है इसमें, तो दोनों के लिए देखिए बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर हम लोग इक्विटी शेयर की बात करें तो इक्विटी शेयर के लिए मार्केट रेट ज़्यादा बेटर रहेगा, जबकि प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर की बात करें तो उनके लिए एक्चुअल रेट का यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यूज़ ऑफ एक्चुअल रेट और मार्केट रेट में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है, तो ये एक तीसरा पॉइंट आप इसमें ले सकते हो, एक्चुअल यील्ड रेट एंड मार्केट यील्ड रेट। अब देखिए यहाँ जो है वो इक्विटी के लिए ज़्यादा बेटर मानेंगे, जबकि ये एक्चुअल रेट है, ये डिबेंचर और आपके कह सकते हैं प्रेफरेंस शेयर के लिए ये बेटर माना जाएगा। तो ये एक समस्या आ सकती है कि कैसे कैलकुलेशन करें, तो ये कह सकते हैं वीकनेस है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो एवरेज मेथड हम बात कर रहे हैं उसकी। चलिए, क्वेश्चन कैसे आता है इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बनता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका जो आएगा एग्जाम में वो ये आता है कि एक कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा होता है और इम्पॉर्टेंट होगा कि वो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या बिफोर टैक्स ऑफ कैपिटल है, ये आपको मेन इस क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है। तो हम बात करते हैं एक क्वेश्चन लेकर कि कैसे एवरेज का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि कर के पश्चात की लागत इसमें दे रखी है। कैपिटल ऑफ द स्पेसिफाइड सोर्सेज ऑफ ए बी लिमिटेड इज एज एस फॉलो, यानी कि बहुत सारे सोर्सेज दे रखे होंगे आपको। क्वेश्चन देखिए, सोर्सेज होंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल डेब्ट से उन्होंने अरेंज किया होगा कुछ अमाउंट, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर से किया होगा कुछ अमाउंट, प्रेफरेंस शेयर, और इक्विटी होगा इक्विटी शेयर। देखिए, सबका आपको फॉर्मूले सबको पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेशन होगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब तक उनके सेपरेटली कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप वेटेज एवरेज में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आने वाली है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रिटर्न अर्निंग। ठीक है, अब उन्होंने अमाउंट दे रखी होगी, सेकेंड कॉलम क्वेश्चन का क्या होगा अमाउंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। डेब्ट आपको 3 लाख दे रखा होगा, ठीक है, 2 लाख आपका प्रेफरेंस शेयर है, साथ ही साथ इक्विटी
कैपिटल है आपका 4 लाख और आपका दे रखा है साथ ही साथ रिटेन अर्निंग है आपका 1 लाख, रिटेन अर्निंग 1 लाख, तो ये टोटल कितना हो गया 10 लाख। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपके। साथ ही साथ आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देखिए मेन चीज है कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको निकाल के दे रखी है इस क्वेश्चन में, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब जैसे डेब्ट की आपको दे रखी है परसेंटेज में होगी तो 4.77 दे रखी है। ठीक है, उसके साथ प्रेफरेंस शेयर की दे रखी है 10.53%, इक्विटी का दे रखा है 14.59% और आपको दे रखा है रिटेन अर्निंग का दे रखा है 14। क्लियर है आपको, ये दे रखा है। साथ ही साथ आपको पूछा है कि कैलकुलेट द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आप वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकाल के बताइए, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्मेट बनाना होगा, कैलकुलेशन ऑफ वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ, ध्यान रखिएगा कि यहां जो टेबल बनेगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेबल बनाकर ही आपको आंसर देना है, वर्किंग नोट में नहीं। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्लियर है आपको। इसमें आपके जो कॉलम बनेंगे, सबसे पहला सोर्सेज का, ठीक है, सेकंड कॉलम बनेगा अमाउंट का जो कि क्वेश्चन में दे रखा था आपको जिस तरह से है, ठीक है, थर्ड कॉलम बनेगा आपका वेटेज का, ठीक है, फोर्थ आपको है जो आपकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट दे रखी है, क्योंकि आपको ऑलरेडी आफ्टर टैक्स कॉस्ट दे रखी है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ये आपको निकाल के ही दे रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। ठीक है, और लास्ट आ जाएगा वेटेज कॉस्ट। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको। आपको पता है कि हमारे पास में 4 तरीके से हम सिक्योरिटी से कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फर्स्ट इज अ डेब्ट, सेकंड इज अ प्रेफरेंस शेयर, थर्ड इज इक्विटी शेयर और फोर्थ हो जाएगा आपका रिटेन अर्निंग जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। अमाउंट पता है आपको 3 लाख है डेब्ट की, 2 लाख है आपका प्रिफरेंस शेयर, उसके बाद में इक्विटी आपको दे रखा है 4 लाख और रिटेन अर्निंग है आपका 1 लाख। अब यहाँ पे निकालना है वेटेज, ठीक है, कैसे निकालना है देखिए, यहाँ पे अमाउंट कितनी थी बेटा आपका 10 लाख था, कैसे निकालेंगे 3 लाख अपॉन 10 लाख, 3 लाख बटा 10 लाख करना है, तो ये आ जाएगा वेटेज, तो वो आ जाएगा 0.3। क्लियर है, 2 लाख अपॉन 10 लाख, यानी कि जिसकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है ना उसको क्या करना है, डिवाइड करना है टोटल से, टोटल अमाउंट से, तो इससे आपका वेटेज निकल जाएगा, तो 2 लाख बटा 10 लाख करेंगे तो आ जाएगा 0.2, उसी के साथ में 4 लाख अपॉन 10 लाख तो ये आ जाएगा 0.4, 1 लाख अपॉन 10 लाख तो ये आ जाएगा 0.1। क्लियर है आपको, एक एग्जाम्पल के तौर में आप ये यहाँ लिख देती हूँ आपको ताकि आपको याद रहे, जैसे मैं रिटेन अर्निंग का लिखती हूँ कैसे आता है, 1 लाख किया अपॉन आप करेंगे 10 लाख, वेटेज ऐसे निकालना है। क्लियर है आपको, ये मैंने इसका आपको बता दिया। चलिए आगे बात करते हैं, अब निकालना है आफ्टर टैक्स कॉस्ट, निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दे रखा है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको आफ्टर टैक्स वाली दे रखी है क्वेश्चन में, आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, तो 4.77, तो 4.77 परसेंटेज में है तो हम 4.77 अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है,
तो 100 करने पर इसका अमाउंट आ जाएगा 0.0477, ठीक है। उसी तरह से सेकंड का कितनी थी, 10.53 थी, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1053, ठीक है, 53 आ जाएगा। उसके बाद में देखिए इक्विटी का कितना था, 14.59 था, मतलब तो उसका 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.4059, ठीक है। उसके साथ में जो नेक्स्ट था वो था 14% रिटर्न अर्निंग का, तो 0.14% है वो आ जाएगा। क्लियर है आपको? अब देखिए यहाँ पे हमने आफ्टर टैक्स जो है वो आपको परसेंटेज में थी, हमने 100 से डिवाइड कर दिया और पॉइंट में ले लिया। अब आपको क्या करना है, कॉलम 3 और कॉलम 4 को मल्टीप्लाई करना है। कॉलम के नाम रख देते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 और जो वेटेज एवरेज का है कॉलम 5। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉलम 3 मल्टीप्लाई कॉलम 4, ठीक है। तो 3 और 4 ये वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही आराम से आपको इसमें लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते हैं कि आंसर को ढंग से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं और डिजिट पूरा नहीं लिखते हैं, तो वो आपको लिखना है। तो जब हम 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0477 से, तो ये आ जाएगा 0.01431, क्लियर है। उसी तरह से 0.2 और 0.1053 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02106, क्लियर है। उसी तरह से 0.4 और 0.1459 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05836, क्लियर। उसी के साथ में 0.1 और 0.14% जो हमने इसको पॉइंट में लिया था, तो ये आ जाएगा 0.01400, क्लियर है आपको। बस इसे ऐड कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा आपका 0.10443, क्लियर है। इसका आंसर हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम इसको, लिख सकते हैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.10773 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 10.773%। ये क्या हो जाएगी बेटा, एवरी आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हो जाएगी आपकी वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये 15 मार्क्स में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इजी तरीके से हमने किया। कॉलम के नाम रख दीजिए, 5 कॉलम बनते हैं वेटेज एवरेज में, क्लियर है। ये मेथड था जिसे हमने किया। कभी कभी क्या होता है कि एक फॉर्मूला लगाकर भी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसमें हम अमाउंट को, ये जो अमाउंट है ना आपकी, इस अमाउंट को क्या करते हैं कि जो कॉस्ट होती है ना इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस अमाउंट को क्या करते हैं, कॉस्ट से। ये तो एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड में हम क्या कर सकते हैं, आप वेटेज नहीं निकाले तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो तीसरा अमाउंट आता है आपका, वो क्या आएगा, टोटल आफ्टर टैक्स कॉस्ट अमाउंट में भी ला सकते हैं। और जब आप अमाउंट में लेके आते हैं तो वहां पे आपका क्या फॉर्मूला बनता है, के ई, ठीक है, इसका क्या निकालेंगे, के ई, इसमें सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने अमाउंट से मल्टीप्लाई किया होता इस क्वेश्चन को, इसको 3 लाख को इससे मल्टीप्लाई किया होता, तो इसकी जो अमाउंट आती वो आती आपकी 1,07,730, ठीक है, और हमारी अमाउंट कितनी है, 10 लाख, ठीक है। तो देखिए इसको क्या दे देता है नाम, सिग्मा, इसको दे देते हैं सिग्मा डब्लू, और जो अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने 3 लाख को अगर आफ्टर कॉस्ट से करती, अगर सेकंड मेथड से, तो उसमें क्या आंसर आ जाता मेरा, सेम ही आंसर आता। तो यहां पे अगर मैं करती तो ये आता अमाउंट से मल्टीप्लाई करने पर 10,07,730,
और टोटल सिग्मा डब्ल्यू कितना था हमारा क्वेश्चन में, टोटल अमाउंट कितनी थी 10 लाख की, तो बस इसको 10 लाख से आप क्या करते डिवाइड कर देते, तो ये भी आंसर क्या आता आपका, ये भी वही आता 0.10773। और जब आप इसे लिख देते मल्टीप्लाई 100 तो आंसर आ जाता आपका 10.773%। कहने का मतलब है आप दो तरीके से अपने क्वेश्चन को कर सकते हो, क्लियर है। वैसे फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम वेटेज निकाल रहे हैं, क्योंकि नाम ही क्या है वेटेज एवरेज कॉस्ट कैपिटल, तो वेटेज निकाल दिया आपने तो भी आप कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप डायरेक्ट ये जो अमाउंट है 3 लाख इसको आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी टोटल आफ्टर टैक्स ऑफ कैपिटल आ जाएगी, यानी कितनी है उसको आप डिवाइड कर दो फॉर्मूला लगाकर। तो फॉर्मूला लगाकर आप करोगे तो ये फॉर्मूला आपका लगेगा और आप आंसर निकालोगे तो सेम आंसर वही आएगा जो पहले आया है, क्लियर है आपको। तो ये आज हम